वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रूपल चौधरी व्लॉग्स। और हम लोग नहाकर के रेडी हो गए हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। थोड़ा सा टाइम लग गया करके और अभी देखेंगे पहले वो जिसको हो चुके हैं मोसिंगे यहाँ पे। तो गाइस पहुंच चुके हैं सीकरी देवी मंदिर। इसको पकड़ लेते हैं। प्राचीन वृक्ष है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन बड़दादा। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रूपल चौधरी व्लॉग्स। और हम लोग नहा करके रेडी हो गए हैं। तो नवरात्रियों में सुबह सुबह नहा करके पूजा कर रहे हैं डेली। मैंने जो है पूरी नवरात्रियों के फास्ट रखे हुए हैं। गौरव ने फर्स्ट और लास्ट का रखा हुआ है। तो बस अभी हम लोग नीचे जाएंगे, पूजा करेंगे और आज हम लोगों को जाना है कहीं बाहर। हम लोगों की यानी कि जो मेरे पीहर साइड की एक देवी है जिसको हम सीकरी माता बोलते हैं, तो आज हम लोग जा रहे हैं सीकरी देवी पे। और वैसे उनका नाम जो है वो महामाया देवी है। सीकरी के नाम से इसलिए प्रसिद्ध है वे क्योंकि वहाँ पे जो जिस एरिया में मंदिर बना हुआ है वो सीकरी में बना हुआ है। तो ये मोदी नगर में है, तो मैं आज जा रही हूँ मोदी नगर। तो मैंने प्रसाद बोला हुआ था और काफी टाइम से मैं गई भी नहीं थी। शादी के बाद ओजस को लेके गई थी, जब ओजस एक साल का हुआ नहीं था जब गई थी मैं। तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं नवरात्रि में एक बार तो साल में जाया करूं। तो बस हम लोग वहां के लिए निकलेंगे और जिसको पहले डॉक्टर के दिखाएंगे क्योंकि वो जिसका टमी वो ठीक नहीं है और इसको लूज मोशन भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब थोड़ी दिक्कत चल रही है। गौरव के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई, सेम तो नहीं लेकिन इनको गौरव को जो है वो पेट में दर्द हो रहा था। तो बस पहले देखते हैं दोनों को डॉक्टर के दिखाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे अपनी मौसी के यहाँ पे क्योंकि जहाँ पे वो मंदिर है सीकरी देवी का वहां से मौसी का घर पास में है। तो पहले मौसी के यहाँ पे जाएंगे, फिर मौसी को लेके फिर मंदिर जाएंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं, पहले पूजा करते हैं फिर उसके बाद और तैयारी देखें। गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा दयावंत चार भुजा धारी शक्त सिंदूर सवे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। अभी तो है 12:13 हो रही है और घर से निकल चुके हैं, काफी ज्यादा लेट हो गया है, थोड़ा सा टाइम लग गया घर पे। और अभी देखेंगे पहले वो जिसको डॉक्टर के दिखाना है, अगर डॉक्टर अभी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम को आते हुए दिखाएंगे। और आज वर्षा देवी जाने का भी प्लान बन रहा है, तो देखते हैं उनका। अगर शाम को थोड़ा जल्दी आऊंगी मैं, तो अभी पहले वो उसी यहाँ पे चलेंगे और जिसको दिखा के डॉक्टर के। और मुझे जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। कैसी हैं आप, कैसी हैं उसको खाना बच नहीं रहा है। मैं नोट करके सिर्फ आता हूँ, मतलब दी दे सकते हैं। वो जिसको दिखा लिया है डॉक्टर के और इसको थोड़ा सा टमी इन्फेक्शन आया है, उसके लिए 3 दिन की मेडिसिन दी है डॉक्टर ने और 3 दिन बाद फिर से आके दिखाना होगा। तो अभी हम जा रहे हैं मौसी के यहाँ पे। मौसी के अवॉइड करने के लिए बोला है, दूध अवॉइड करने के लिए बोला और इसको जो है वो दूध अवॉइड करने के लिए बोला है कि इसको खाने में जो है वो सोलिड ही देना है, दूध थोड़ा अवॉइड करना है क्योंकि दूध एक तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ा देता है और दूसरी चीज कि उससे जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा मतलब ज्यादा ना फैल जाए, तो इसी चीज के लिए बोले वो। एक दूध जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता, टाइम लगता है उसको होने में। तो ठंडी चीजें जैसे दही हो गई, उसके साथ में केला दे दिया या फिर आलू हो गए, तो जो घर पे ये नॉर्मली सेमी सॉलिड खा रहा था वही चीज उसको देनी है जो ये आसानी से खा सकते हैं, जो उसको पसंद है। तो बस अभी मौसी के यहाँ पे जा रहे हैं और जिस पीछे जाके बैठे हैं वो लोग है ना, पीछे जाके बैठा है वो और अपना खेलने में लगा हुआ है सीट बेल्ट लेके। तो गाइस पहुंच चुके हैं मौसी के यहाँ पे और बस हम उनकी गली में मुड़ने ही वाले हैं। हम्म,
यहाँ को सरप्राइज मिल गया। बड़ी चप्पल पहने हैं। वो जो कहाँ जा रहे हो? गाड़ी से जा रहे हो? कहाँ? मंदिर? मंदिर जा रहे हो? तो गाइस पहुंच चुके हैं सीकरी देवी मंदिर और यहाँ से शॉर्ट रास्ते से हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। एक रास्ता है, इस बार यहाँ पे कोई मेला भी नहीं लगा। तो गाइज हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है। हमने थोड़ा सा पहले ही प्रसाद ले लिया था और मैंने जो है पूरा सामान रखवाया है प्रसाद में, नारियल, पान और सिंगार का सामान। मौसी के घर से जो मंदिर है वो 5-10 मिनट की दूरी पे, तो मौसी डेली आती है प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने सारा सामान नहीं रखवाया। अभी हम लोग पूछ चुके हैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए। मंदिर के अंदर भीड़ इतनी ज्यादा नहीं है इस बार क्योंकि मेला नहीं लगा है। माता रानी की मनोकामना पूरी करें, बहुत सच्चे दरबार की जय। पानी है दो सांस। इसके वो लगवा दो झाड़ा से। Thank you.
तो गाइस यहाँ पे जो महामाया देवी का मंदिर है, इस मंदिर के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। तो सब जगह पे थोड़ा थोड़ा प्रसाद चढ़ाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये वो कुंड है जहाँ पे हवन चलता है। तो यहाँ की जो भभूत होती है वो घर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि कहीं भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो वो बदले में आपको प्रसाद के अंदर पैसे 10 रुपए रख के और वापस दे देते हैं, और उसके बदले में आपसे 50-100 रुपए मांग लेते हैं। तो ये यहाँ पे लोगों का पैसे लूटने का अच्छा तरीका है। तो यहाँ तक कि इन्होंने भभूत भी पैसे लेके ही दी है। तो हम लोग बस यही बोल रहे थे कि दूर दूर से प्रसाद चढ़ाओ और हाथ जोड़ के निकल लो। आ जाओ जगह जगह लूटने वाले बैठे हुए हैं। यहाँ पे जिस भी जगह पे जाऊं, ये वो प्राचीन वृक्ष है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन बड़दादा। ये अंग्रेजों के जमाने का है, यहाँ पे अंग्रेजों ने फांसी दी थी पूरे। तो गाइस ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ पे अंग्रेजों ने 131 लोगों को फांसी दी थी, जिसमें महिलाएं भी थी। और बाकी पूरी हिस्ट्री आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। और ये मंदिर जो है ये 500 साल पुराना मंदिर है। आज दर्शन कर लो एक बार और, छीट सी होगी। ये है महामाया देवी। गाइस अभी प्रसाद चढ़ा दिया और घर जा रहे हैं। घर जाके गौरव खाना खाएंगे, मैं थोड़ी चाय लूंगी और इस बार ये नींद नानी के पास जाके बैठी आई। अजू को आगे गर्मी लग रही थी इसलिए नानी के पास जाके बैठी। नीचे छोड़ते हैं, बहाना है वो सब उसका। चले वो जो चले पैर छुओ बेटा। तो गाइस निकल चुके हैं मौसी के घर से और अभी घर मेरठ के लिए निकल रहे हैं। और उसको दे दिया है नारियल पानी पीने के लिए, इसने दोपहर खाना खाया था मंदिर जाने से पहले। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा नारियल पानी पिला देती हूँ, फिर उसके बाद इसको एक बनाना दे दूंगी खाने के लिए। फिर घर चल के दही वगैरह खा लेगा और वैसी चीज़ें, तो इसकी दूध वगैरह तो मना किया हुआ है डॉक्टर ने, तो सॉलिड ही देना है। सॉलिड में ऐसा भी नहीं कि सारी चीज़ें सॉलिड ही देनी है, नारियल पानी तो अच्छा है पेट के लिए। और यहाँ पे गौरव के भी थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा था पेट में, तो इनकी भी थोड़ी सी हेल्थ ऐसी चल रही है, तो इनके भी खाने पीने का थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो बस अभी हम लोग चल रहे हैं और इसको आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मौसी यहाँ से। उल्टा मुझे भी बोल रहा था कि घर के अंदर चलो, गाड़ी में क्यों बैठ रही है आप लोग, तो इशारे कर करके। तो अपनी नानी को बोल रहा था गाड़ी में बैठने के लिए कि या तो आप लोग हमारे साथ चलो या फिर मम्मी को भी यहीं पर रख लो, यहीं पर रुकेंगे। लेकिन अभी जाना जरूरी है क्योंकि आज हो सकता है कि वर्षदी अपने ससुराल चली जाए, तो ऐसे उनको नहीं भेज सकते बिना मिले। तो घर चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसीजर।